हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 22 द चंपा फ्लावर आज हम सीखेंगे। तो जो चंपा फ्लावर, ये एक फ्लावर का टाइप है, चंपा मतलब, तो वो चंपा फ्लावर ये जो है चैप्टर के अंदर आज हम वो देखेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले ये जो है देख लेते हैं इसे। Supposing I become a चंपा flower just for a fun। तो दोस्तों, ये जो poem chapter है, तो ये जो है वो एक imagination है, imagination सोच के बताया। supposing मतलब अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसे सोचो कि अगर मैं एक चंपा flower होता just for a fun, अगर मैं एक मनोरंजन के लिए, fun के लिए खाली होता, अगर मैं चंपा फ्लावर तो मैं क्या करता, वो ये लड़का जो है बताएगा हमें। आइए पढ़ते हैं। सपोजिंग मतलब अगर मैं होता तो, अगर मैं चंपा फ्लावर होता खाली मजे के लिए, मजा करने के लिए। एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री, और मैं बड़ा होता, चंपा फ्लावर क्या होता, बड़ा होता, और वो जो ट्री के सबसे ऊपर वाली ब्रांच पर, टहनी पर। एंड शुक इन द विंड विद लाफ्टर, शुक मतलब हिलना, और मैं हवा में हिलता और क्या करता, हंसता। एंड डांस अपॉन द न्यूली बर्डेड लिव्स, न्यूली बर्डेड, बर्डेड मतलब ओपन होने वाला, तो न्यूली मतलब नए जो लिव्स उगे हैं, नए जो लिव्स ओपन हुए हैं उसके ऊपर मैं क्या करता, डांस करता, नाचता। वुड यू नो मी मदर, क्या आप मुझे जान पाती, क्या आप मुझे पहचान पाती मेरी मम्मी, ऐसा वो बोल रहा है। अगर वो चंपा फ्लावर बनता तो उसकी मम्मी क्या उसे पहचान पाती। यू वुड कॉल बेबी वेर आर यू, क्या तुम मुझे क्या बुलाती तुम, कि बेबी तुम कहाँ हो, ऐसा मम्मी बोलती। एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ एंड कीप क्वाइट, और देखो अभी कभी हम कहीं छुपते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसकर चुप बैठते हैं और बोलते नहीं है, तब तक ढूंढते नहीं। तो उस तरह से ये लड़का क्या करता, अगर उसकी मम्मी उसे बुलाती कि बेटा कहाँ हो तुम, से कॉल करती, कॉल मतलब बुलाना, तो वो क्या करता, वो अपने में ही हंसता और एकदम गच्चूप से बैठ जाता, मतलब एकदम क्वाइटली उधर ही बैठता। आई शुड स्लाइली ओपन माई पेटल्स एंड वॉच यू एट योर वर्क, तो मैं स्लाइली मतलब एकदम चालाकी से मैं अपने जो पेटल्स है, पेटल्स मतलब जो फ्लावर्स, जो पत्तियां होती है ना फ्लावर की पत्तियां, उसे हम पेटल्स कहते हैं। तो मैं एकदम चालाकी से अपने पेटल्स खोलता, ओपन मतलब खोलना। एंड वॉच यू एट योर वर्क, वॉच मतलब देखना, योर मतलब तुम्हारा, वर्क मतलब काम, तो मैं तुम्हारे काम को एकदम अच्छे से देखता और तुम्हें भी देखता। स्लाइली मतलब एकदम चालाकी से दोस्तों। When after your bath, with wet hair spread on your shoulder, you walk through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayer. You would notice that the scent of the flower, but not know that it's come from me. तो जब when after your bath, bath मतलब दोस्तों नहाना, जब आप नहा, आपके जब नहाना हो जाएगा आपका, जब आप नहा लोगी तो उसके बाद आपके जो हेयर रहेंगे, वो जो वेट हेयर मतलब गीले, हेयर मतलब बाल, तो जब आपके गीले बाल आप अपने शोल्डर मतलब शोल्डर पर आप जब आपके डाल कर स्प्रेड कर कर फैला कर बाहर आओगी, वॉक थ्रू द यू ऑन योर शोल्डर, यू वॉक थ्रू द शेडो ऑफ चंपा ट्री, जब तुम्हारे बाल गीले होंगे और जब वो आप अपने शोल्डर पर पूरा फैला कर जब आओगी, जब आप चंपा ट्री के नीचे शेडो मतलब छाँव के नीचे से जब जाओगी टू द लिटिल कोर्ट, कहाँ जा रही है मम्मी अभी, कहाँ जा रही है, लिटिल कोर्ट मतलब अपने छोटे से आंगन में, वेर यू से द योर प्रेयर, अपने आंगन में ठहर कर जब जहाँ मम्मी प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, तब जो छाया पड़ेगी, तो जब मम्मी वो चंपा ट्री के से नीचे से जाएगी, यू वुल नोटिस दैट द सेंट ऑफ फ्लावर, तब मम्मी को क्या नोटिस करेगी मम्मी, क्या पहचानेगी मम्मी, फ्लावरों की सुगंध, स्मेल, सेंट मतलब स्मेल, सूंघेगी और उसे नोटिस करेगी, देखेगी, समझेगी। बट नॉट नो दैट इट्स कम फ्रॉम मी, बट मम्मी को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो जो स्मेल है वो मेरे में से आ रही है, क्योंकि वो जो है चंपा फ्लावर बना है।
वेन आफ्टर द मिड मील, मिड मील मतलब दोपहर का खाना, जब दोपहर का खाना हो जाएगा, यू सेट एट द विंडो रीडिंग रामायण, जब तुम सेट मतलब बैठना, विंडो मतलब खिड़की, और रीडिंग मतलब पढ़ना, रामायण तो आपको मालूम ही है दोस्तों। जब आप दोपहर के खाने के बाद, मील मतलब खाने के बाद खाना, जब आप खाना खा लोगी, तो जब दोपहर का खाना खाने के बाद आप विंडो के सामने रामायण पढ़ते जब बैठोगी, एंड द ट्री शेडो, जब ट्री मतलब पेड़, शेडो मतलब छाया, फेल ओवर योर हेयर, हेयर मतलब बाल, एंड योर लैप, लैप मतलब आपकी गोद, तो जब आप पढ़ने बैठोगी रामायण दोपहर के खाने के बाद, तब जो ट्री की छाया है वो आपके हेयर, आपके बालों पर और आपकी गोद पर पड़ेगी। आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शेडो, तो मैं, फ्ली मतलब फेंकना, तो मैं भी अपनी जो छोटी फ्लावर की शेडो है, मतलब अपने जो छोटे फूल की शेडो है मतलब छाया, वो आपके ऑन फेंकूंगा, कहाँ फेंकूंगा, ऑन दी पेज ऑफ योर बुक, जो बुक आप रामायण पढ़ रही हो उसकी पेज पर मैं अपनी छाया फेंकूंगा। जस्ट वेर यू वेर रीडिंग, जहाँ आप रीड करते रहोगी, ऐसा वो बच्चा कह रहा है। बट वुड यू गेस दैट इट वॉज द टाइनी शेडो ऑफ योर चाइल्ड, ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, क्या आप गेस कर पाओगी, क्या आप पहचान पाओगी, क्या आप जान पाओगी मम्मी कि वो जो छोटी छाया है वो आपके छोटे से चाइल्ड की है, छोटे से बच्चे की है, ऐसा वो कह रहा है। When in the evening you went to the cowshed, जब आप इवनिंग में, शाम में आप cowshed जाओगी, मतलब जो जहाँ बैलों को भाना जाता है तबेले में आप जाओगी, with the lighted lamp in your hand, जला हुआ जो lamp होता है उसको लेकर आप जब जाओगी, lantern, तब आप लेकर हाथ में जाओगी रात के टाइम, इवनिंग में, शाम के टाइम, तो आप क्या पहचान पाओगी जब लेकर जाओगी आपके हाथों में। आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन दी अर्थ अगेन, वापस से मैं चंपा फ्लावर से आपका वापस से अर्थ पर आ जाऊंगा, गिरकर, नीचे गिरकर वापस से मैं आपका बेटा बन जाऊंगा वापस से, एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर, वापस मैं आपका अपना बेबी बन जाऊंगा, खुद का बेबी बन जाऊंगा वापस से, एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, वापस से, बेग मतलब कहना, तो बैग मतलब रिक्वेस्ट करना, तो मैं वापस से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे स्टोरी सुनाने के लिए, वंस अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मुझे एक अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे आप पहले स्टोरी सुनाते थे वैसे स्टोरी सुनाने के लिए, वापस से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा स्टोरी सुनाने के लिए। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड, जब उसको मम्मी पूछेगी कहाँ हो, कहाँ थे तुम नटघट, नॉटी मतलब नटघट चाइल्ड, बच्चे। I won't tell you mother, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मम्मी, that's what you and I would say then, तो जब मम्मी पूछेगी उसको कि कहाँ था तू नटघट बच्चे, ये कहाँ गया था, तो ऐसे हम बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मम्मी, ऐसा ही ये भी और हम भी बोलते हैं कभी भी, ऐसा ही हम बोलना चाहते थे, और that's what you would What you and I would say then. तो अब जब मम्मी पूछती है कि आप कहाँ थे, तो हम बोलेंगे हम नहीं बताएंगे मम्मी, ऐसे मजाक में बोल के चले जाते हैं ना, तो उस तरह से हम नहीं बताएंगे, ऐसा आप और मैं भी बोलूँगा। तो इसे किसने लिखा है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो अभी इधर मीनिंग्स है, स्लाइली इन एन नोइंग सिगरेट मैनर, फ्लिंग मतलब थ्रो मतलब फेंकना, वी लिटिल मतलब वेरी स्मॉल। तो हमारा पोयम ये जो थी उसका एक्सप्लेनेशन हो गया दोस्तों, जिसका नाम था चंपा फ्लावर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इस चैनल अब्दुल रेडियो केयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडियो केयर।